सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:14। तो अभी सोए थे, अभी सो के उठे हैं, नहा चुके हैं, क्योंकि यार मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा चल रहा है कि फीवर आ रहा है, उतर रहा है, आ रहा है, उतर रहा है, बस यही हो रहा है। वैसे अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं, बस ब्लॉग कर रहे हैं। तो अभी मम्मी भी नहा चुकी है, हम भी नहा चुके हैं, भाई भी नहा चुका है, तो सब लोग नहा चुके हैं, बाकी हम ही तीन लोग मेन बीमार हैं। तो वैसे इधर अयान बाबू हमारे सो रहे हैं और इधर हमारी मम्मी लेटी हुई है, उनकी भी तबीयत खराब थी। चल गया, भाई सब लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो भाई डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम खुद, हमारी खुद तबीयत ख़राब हो गई। बीच में आपको बताया ना पिछले ब्लॉग में कि एक दिन खराब थी, एक दिन सही हो गई थी, फिर उसी के रात मेरी खुद तबीयत खराब हो गई, कभी भी तबीयत खराब है। तो गाइस अयानु के पापा भी नहा के आ चुके हैं और हमारे बाबू भी जग गए हैं। जगी जगी हो गई बाबू की, अले वाह। तो भाई सबकी तबीयत खराब है, मतलब हम तीनों की मेनली जगता है तबीयत खराब है। बाबू की तबीयत खराब हुई थी तो बाबू दवाई वाई खा रहे तो अभी ठीक है, बाकी मेन हम लोग, हमारी मम्मी और दादा की दिक्कत है। तीनों लोग तो हम इस कमरे में पड़े रहते हैं, तो दादा उस कमरे में, मम्मी उस कमरे में, तीनों लोग अलग अलग। तो तीनों लोग की तबीयत ज़्यादा खराब चल रही है और सोते भी बहुत हैं। मम्मी भी कपड़े चेंज करके आ गई हैं, तो मम्मी भी थोड़ा बहुत सही हुई हैं, तो काम करी हैं, थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े धुली हैं, लेकिन अभी भी तबीयत मम्मी ख़राब लग रही है ना, सबकी खराब ही है। दो तीन दिन तक ऐसा ही रहेगा, इसलिए हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, एप्पल एप्पल। तो क्या सुबह उठे थे तो सिर्फ दूध पिए थे और दवा खा लिए थे, तब से कुछ नहीं खाए हैं। तो अब आ चुका है हमारा लंच, तो पनीर चावल है, मटर पनीर की सब्जी और चावल है, बाकी मम्मी लाई अब के लिए चटनी। किसकी चटनी मम्मी है? लहसुन की, हरा मिर्च, नमक। तो ये सब की चटनी, क्योंकि मम्मी जब तबीयत खराब है थी तो मम्मी को तीखा खाने का मन करता है, तो यही सब मम्मी खाएंगी, बाकी पनीर भी मम्मी के लिए है, वो खा लेंगी। बाबू तो कुछ नहीं खाएंगे, इनके इतने नाटक है, कुछ खाते ही नहीं। अरे सिर्फ फेंकने दे दो इनको सामान, लेटो अच्छे से लेटो, शांति से, हाँ सो जाओ। अभी इस टाइम हम लोग हैं भाभी के रूम पे, तो मतलब अलग अलग रूम पे एक जगह आगे बैठे हैं तो बहुत बोरियत फील होता है, तो इसी वजह से अलग अलग जगह में रहते हैं। और बाकी हम मम्मी से बोले थे, मम्मी चलो मूवी देखा है, लेकिन यार तबीयत खराब तो मूवी मन नहीं कर रहा है मम्मी का देखने की। मम्मी की देखो ये क्या बनाई हुई, ये लौंग और कपूर बनाए हैं, इससे मतलब कोरोना के टाइम पे जैसे हम लोग नहीं सुना करते थे। भाई आयान बाबू परेशान किए, कह रहे चलो बाइक से घुमाने, अब बताओ बेटा बिल्कुल बाइक से नहीं घुमा पाएंगे, कार से घुमाने चल रहे। चलो चलो इनको कार से घुमा लाते हैं, ठीक है मम्मी, चलो तुम्हारा भी मूड हुआ है, नहीं नहीं हम मेरे लिए वीडियो नहीं, दौड़ने भागने वाला कुछ नहीं, बस बैठ के घूमना है, फिर आके नीचे वाले रूम में बैठेंगे और क्या। चलो थोड़ा इधर उधर मत, तुम लोग हल्का सा आराम मिली है तो तुम लोग दौड़ भाग करोगे, आराम नहीं मिली है लेकिन तो बेटा उसको उसको समझाओ, भी बीमार हो जाएगा, चलो हाँ थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। चलो बाय बाय, बाबू को छोड़ के जा रहे, बाय बाय बाय, अरे ले ले ले, अरे नहीं बाबू को नहीं लेके जाएंगे, जाओ बाबू को नहीं लेके जाएंगे, अरे अरे आ जाओ आ जाओ, नहीं रोना नहीं रोना नहीं। इस बाबू को लेके हम बाहर आ चुके हैं, कार से चलेंगे, किससे चलोगे? कार से, हाँ चलो कार से, कार पे बैठो जल्दी, कार में बैठो जल्दी, बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बड़े हो जाओ, तुम ही लेके चला करो, हम लोग पीछे बैठा करें। अरे बाबू आले आले आले, देखो कितनी खुशी, चाबी दो चाबी दो चाबी, अरे पता भी है कहाँ लगाया जाता है, अभी लगाएगा देखना। तो गाइस हम लोग टहलने के लिए निकले थे, तो तबीयत खराब थी तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जूस पीते हैं, तो ये नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि किसका जूस पिए, अनार का पिया जाए, अनार अनार का सही है, अनार का है मम्मी, बाबू बाबू तो जूस हमारे पियेंगे नहीं क्योंकि इनका शैतानी से ही पेट भर जाता है। तो गाइस अनार का जूस मंगाए थे, तो ये रहा अनार का जूस, ज्यादा पी लिए तो खत्म कर दिए, मम्मी पी रही बढ़िया धीरे धीरे, नहीं जा रहा है, अरे पी लो मम्मी ताकत मिलेगी थोड़ा सा, लो भाई पीते हैं, इनकी महाराज की देखो, पिया रहे तो पी भी, आ पी लो, लो जूस पी लो, जूस जूस नहीं पीना है तुमको, क्या कर रहे हो, तुमको बस शैतानी करनी रहती है, मुंह देखो पीछे पीछे, आओ आओ आ जा आ जा आ जा, परेशान कर लेते हैं पूरा, ला पिया।
गाइस हम लोग निकले थे टहलने के लिए, लेकिन फिर मन किया शूट कर ले वीडियो, थोड़ी सी तबीयत सही लग रही थी तो हम लोग अब शूट करने में बिजी हो गए हैं। घर पे आ चुके थे तो मैगी बनी थी, सुबह बनी थी ये मैगी, हम लोग खाए नहीं थे बीमार थे, तो भाभी दे रही गरम करके, तो मैगी की हालत देखो क्या हो गई, पूरी चिपक गई है मैगी, चिपकती तुरंत है, जब टिफिन में पहले लेके जाते तो टिफिन की शेप में आ जाती थी। तो गाइस अभी सो के उठे थे, दद्दा ने प्लान बना लिया है कुछ खाने का बाहर का, मीठा खाने का मन कर रहा है, खाने का मम्मी का भी मन कर रहा था, तो कह चलो गुलाब जामुन वगैरह ले आते हैं। ये देखो भाई साहब बीमार है, रसगुल्ला खा रही है। सब रसगुल्ला खा लिए तो काफी मजा है, रसगुल्ला खा के बढ़िया, सूखे वाले भी लाए थे और जलाव वाले भी लाए थे, काले वाले भी लाए थे, सफ़ेद वाले भी लाए थे, मतलब सब टाइप के लाए थे, तो खा लिए हैं क्योंकि सबकी मनपसंद अलग अलग थी ना, मम्मी की तो अलग ही पसंद रहती है, इनको सब खाना रहता है, जो लो सब।